गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तो यूनिट खत्म हो गया अपना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है। उसमें पांच चैप्टर थे, कौन से थे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन करंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट्स, ठीक है, एंड अर्थ मैग्नेटिज्म, एंड फिफ्थ था क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल। चैप्टर खत्म हो गए, उनके ऊपर प्रॉब्लम भी लिए हमने, पर क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल में कुछ थियोरेटिकल प्रॉब्लम आपको JEE और नीट में पूछे जाते हैं, तो आज उसी थियोरेटिकल क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है कि जो क्यूरी टेम्परेचर है, सबको पता है कि अबो द क्यूरी टेम्परेचर, मैंने पढ़ा भी है आपको फेरू की अबो द क्यूरी टेम्परेचर, तो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट इंटू पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। सेकंड है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर एंड ट्रांसफार्मर बनाने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर और ट्रांसफार्मर बनाने के लिए सुटेबल मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है, तो सॉफ्ट आयरन है, ध्यान में रखना है, सॉफ्ट आयरन, इट इज द बेस्ट सुटेबल एग्जांपल फॉर मटेरियल फॉर द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड ट्रांसफार्मर। अब थर्ड है कि अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल है और उसको अगर हमने किसी पोल पे रखा है, नॉर्थ पोल पे हो या साउथ पोल पे हो, तो वो अट्रैक्ट होगा कि रिपेल होगा कि कुछ नहीं होगा, ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे, तो रिपल्ड होगा, वो क्या होगा, रिपल, मींस कोई भी डायमैग्नेटिक मटेरियल हो, नॉर्थ पोल पे रखो या साउथ पोल पे रखो, डेफिनेटली इट इज रिपल्ड बाय द पोल्स, ठीक है। फोर्थ है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हमेशा ही डोमेन फॉर्मेशन होते हैं, मीन डोमेन फॉर्मेशन किस मटेरियल में होते हैं, तो डेफिनेटली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में नहीं होते, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट है कि परमानेंट जो मैग्नेट है, विच इज ऑलवेज अट्रैक्टेड अट्रैक्ट्स, विच इज ऑलवेज अट्रैक्ट्स द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ओनली, वो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट नहीं करता, सिर्फ परमानेंट मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, ठीक है। वहां पे ऑप्शन दिए जाएंगे डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक की, ऑल ऑफ दिस या नन ऑफ दिस, डेफिनेटली आपको फेरोमैग्नेटिक सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है कि जब भी किसी मैग्नेटिक मटेरियल को हिट किया जाता है, व्हेन द मैग्नेटिक मटेरियल इज हिटेड, देन व्हाट हैपन, इट लॉस इट्स मैग्नेटिज्म, इट लॉस इट्स मैग्नेटिज्म, वो खुद की मैग्नेटिज्म क्या करता है, लॉस करता है, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता है, विच इज गोइंग टू बी लॉस इट्स मैग्नेटिज्म, ठीक है। सेवन पॉइंट है कि व्हाट इज द जो टेप रिकॉर्डर है, लास्ट पॉइंट है, वो टेप रिकॉर्डर जो है वो रिकॉर्ड करता है साउंड, वो रिकॉर्ड क्या करता है, साउंड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द टेप, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द टेप, ठीक है। तो ये थियोरेटिकल जो भी सेंटेंस है वो ध्यान में रखना है आपको। अब हम ग्राफ लेंगे, ग्राफ में ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर आपको ग्राफ पूछे जाएंगे, तो अलग अलग हर मटेरियल के अलग अलग ग्राफ है, डायमैग्नेटिक मटेरियल का अलग ग्राफ है, पैरामैग्नेटिक अलग बिहेवियर है, फेरोमैग्नेटिक का बिहेवियर अलग है, मींस उनकी ससेप्टिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर अलग अलग चेंज होती है, ठीक है। तो फर्स्ट है डायमैग्नेटिक, अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल है आपने अगर टेम्परेचर वर्सेस ससेप्टिबिलिटी अगर ड्रॉ किया है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है, वो आपको ग्राफ के थ्रू देखना है, तो डेफिनेटली डायमैग्नेटिक मटेरियल पे टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता, इसलिए उसकी ससेप्टिबिलिटी कैसी रहती है, थ्रू आउट द कॉन्स्टेंट रहती है, उसकी जो ससेप्टिबिलिटी की फिक्स्ड वैल्यू है, हर एक डायमैग्नेटिक मटेरियल की खुद की एक ससेप्टिबिलिटी होती है, बराबर है, तो उसकी ससेप्टिबिलिटी अगर फिक्स है तो उसी वो ही वैल्यू हर टेम्परेचर पे रहेगी, यानी कॉन्स्टेंट रहेगी, थ्रू आउट द टेम्परेचर उसकी ससेप्टिबिलिटी कॉन्स्टेंट रहेगी। सेकंड है पैरामैग्नेटिक,
तो पैरामैग्नेटिक फील्ड का अगर ससेप्टिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर आप मेजर करते हो तो डेफिनेटली वो डिक्रीज्ड क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। और हेरो के बारे में आप अगर पढ़ोगे कि टेम्परेचर वर्सेस आप ससेप्टिबिलिटी फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लेते हो तो अप टू क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज नहीं होती, नहीं वहां तक नहीं होती है। बाद में अबो दिस टेम्परेचर द फेरोमैग्नेटिक कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक। देखो यहां से प्योर टेम्परेचर के आगे का जो पार्ट है वो सेम टू सेम पैरामैग्नेटिक जैसे लग रहा है, मींस अबो द प्योर टेम्परेचर एट एंड अबो द प्योर टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो ये तीनों भी ग्राफ आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और अब एग्जांपल है कुछ कि डायमैग्नेटिक के एग्जांपल क्या है, आपको आने चाहिए डायमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल क्या है। तो बहुत सारे एग्जांपल है, कॉपर, जिंक, बिस्मथ, सिल्वर तो एजी कहते हम, ठीक है। बाद में गोल्ड है, लीड है, ग्लास है, वाटर है, मार्बल है, हेलियम आइटम पता है सबको, हेलियम है, ऑर्गन सोडियम क्लोराइड, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डायमैग्नेट। ध्यान में रखना है एग्जाम्पल में कभी कभी इस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक के एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम, सोडियम, एंटीमनी मीन्स उसको एसबी कहते हम, बाद में प्लैटिनम, पीटी कहते हैं उसको हम प्लैटिनम, कॉपर क्लोराइड, मैग्नीज को एमएम कहते हैं, मैग्नीज, क्रोमियम के सीआर कहते हैं क्रोमियम, लिक्विड ऑक्सीजन, दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ पैरामैग्नेटिक। और फेरो के सबको बता, फेरो के क्या है एग्जाम्पल, आयरन जिसे हम Fe कहते हैं, कोबाल्ट, निकेल एंड अल्निको, ठीक है। दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ फेरोमैग्नेटिक। तो एग्जाम्पल भी आप पढ़ के रखो क्योंकि एग्जाम में ऐसे करके पूछा जाता है कि आयरन इट इज अ मटेरियल ऑफ डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं, जितने की मैंने थियोरेटिकल पॉइंट बताए हैं, ग्राफ और ये जो एग्जाम्पल है ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम नया यूनिट चालू करेंगे, ठीक है। और इस यूनिट पे अगर कोई प्रॉब्लम रहा आपको तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट हम नेक्स्ट चैप्टर से चालू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।